अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक राव जकरिया बर्ड मुल्तान। ये सिटाकस की फीड है, मैं अब आपको फीड बनाना दिखाऊंगा। इसमें गर्म पानी है, ये इसको थोड़ा सा मैंने वेट किया है, यानी कि फुल गर्म नहीं है, थोड़ा सा इसको 30-40 सेकंड मैंने वेट किया। अब मैं इसमें फीड डाल रहा हूँ। जैसे हम इसमें ये फीड डालते हैं उसको, ये क्योंकि बच्चे कम है फीड थोड़ी बन रही है, ये हम इसको है ना ऐसे शेक करना शुरू कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसको अच्छी तरह से है ना हमने मिलाना होता है। तो फीड के गाढ़ेपन का ताल्लुक है ना बच्चे और मौसम की नौइयत पर होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस जार में निकाली हुई है, बाकी को ऐसे पैक किया हुआ है, ये आप देखेंगे ये इसको पैक किया हुआ है। अच्छा, ये फीड को आप बनाते रहे। ये इसकी एक क्वालिटी है सिटाकस की, केटी की निस्बत ना ये थोड़ी सी भी बनाए बहुत अच्छी बनती है, केटी दानेदार हो जाती है, सही डिजॉल्व नहीं होती। देखें कैसी जबरदस्त बनी है ये, इसको अच्छी तरह से ऐसे शेक करें। बेटा ये चम्मच पकड़, ये सिरिंज है, इसमें इसको भर लें। ये हमारा ब्रूडर है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमने स्पेशली इंपोर्टेड पार्ट्स से बनवाया, जबकि ये लोकल पार्ट्स में भी अवेलेबल होता है। ये सिरिंज में आ गई है। अब ये आप बच्चे देख रहे हैं कि ये रा के बच्चे हैं और ये 38.5 टेम्परेचर पर इस वक्त मौजूद है। ये देखें इसको, ये आराम से इसको ना आप इंजेक्ट कर दें। साथ में आप ये टिश्यू पेपर रखें, किसी को कोई फीड लग जाती है या कुछ हो जाती है। अच्छा, इसको याद चेक भी करना है कि ये मतलब काबिल बर्दाश्त है, जैसे आपने देखा मेरे हाथ के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। और जिस बच्चे को ये देखें, ये इसको मैं डाल रहा हूँ, कैसे आराम से पाइप चला गया और ये फीड इसको चली गई है। और ये देखें, तो ये जैसे अगर इसके मुंह पे लग गई है, आप ये कॉटन से साफ़ कर दें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।